लोकतंत्र के महापर्व का समापन होने जा रहा है। कल 3 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि एमपी, सीजी, राजस्थान और तेलंगाना में इस बार सरकार कौन बनाएगा। जब भी रिजल्ट का दिन आता है उसके एक दिन पहले की रात बड़ी भारी होती है और लोग रविंद्र जैन का लिखा रामायण का वो गाना याद करते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, आज ही है वो रात जब नेताओं को नींद नहीं आएगी। कल सूरज उगेगा लेकिन शाम होते होते किसकी किस्मत चमकेगी, किसके तारे सितारे गर्दिश में होंगे, इसके लिए बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। एमपी में 230 सीटों पर वोटिंग हुई है और यहाँ एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में टक्कर है, क्योंकि कोई किसी एग्जिट पोल में ये बात सामने आ रही है कि भाजपा जीत रही है तो कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। आइए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। एमपी में न्यूज़18 के आंकड़े के अनुसार बीजेपी 116 सीट लाकर जीत रही है। एबीपी सी वोटर के अनुसार कांग्रेस जीत रही है। टीवी9 पोलस्टार के अनुसार यहां कांग्रेस जीत रही है। सीएनएक्स के अनुसार यहां पर भाजपा जीत रही है। इंडिया टुडे वाई एक्सिस के अनुसार यहां भाजपा लीड कर रही है। रिपब्लिक टीवी जन की बात के अनुसार भाजपा यहां पर लीड कर रही है। न्यूज़24 टुडे चाणक्य के अनुसार यहां पर भाजपा लीड कर रही है, जीतती नजर आ रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि यहां भी मुकाबला टक्कर का है। यहां भी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें एक बात नहीं है, कोई कांग्रेस को लीड करते बता रहा है, कोई भाजपा को बता रहा है। आइए आपको बताते हैं यहाँ पर एग्जिट पोल में क्या है। अगर न्यूज़18 की बात करें तो इसके आंकड़े में भाजपा लीड कर रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी लीड कर रही है। टुडे चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस लीड कर रही है। टाइम्स नाउ ETG के सर्वे में बीजेपी लीड कर रही है। इंडिया टुडे माय एक्सिस के सर्वे में कांग्रेस लीड कर रही है। वही दैनिक भास्कर के सर्वे में भी कांग्रेस राजस्थान के अंदर लीड कर रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भाजपा, KCR और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कई एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस को लीड करते हुए बताया जा रहा है, यानी यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन कल एग्जिट पोल की नहीं एग्जैक्ट पोल की बात होगी। कल पता चलेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में विजेता कौन होगा। पीएम मोदी हो या राहुल गांधी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, आज की रात शायद कोई सो नहीं पाएगा। कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद चर्चा होगी कि अब भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने 4 राज्यों में सीएम पद के लिए चेहरे का ऐलान नहीं किया। इसके साथ ही कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है तो वहां पर ये पार्टी किसे सीएम बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी मुझे ये भी पता है कि आप में से भी कई लोगों को आज की रात नींद नहीं आने वाली है, कल आप टीवी खोल कर बैठ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए और तेज नतीजों के लिए, सटीक नतीजों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।